हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम कंटिन्यू कर रहे हैं क्लास 9 चैप्टर 8 क्वाड्रिलेटरल एक्सरसाइज 8.1। और इससे पहले हम पहला क्वेश्चन कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बार बताना चाहूंगा कि अगर आपको क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टीज नहीं मालूम है तो आप उसे अच्छे से याद कीजिए। उसके लिए एक अलग सी वीडियो बनी हुई है जो कि इसका इंट्रोडक्शन भी है कह सकते हैं हम। तो क्वाड्रिलेटरल की जितनी भी प्रॉपर्टीज होती हैं, सब अलग अलग तरह के क्वाड्रिलेटरल जो होते हैं, जैसे ट्रेपेजियम, रेक्टेंगल, पैरेललोग्राम, स्क्वायर, इन सब की प्रॉपर्टीज पर मैंने एक वीडियो बनाई है जिसका डिस्क्रिप्शन में लिंक में दूंगा। और आप पहले वो वीडियो देखिए और अच्छे से प्रॉपर्टीज लर्न कीजिए ताकि आपको आने वाले क्वेश्चन समझ में आए। तो यहां हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। सेकंड आइए स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 2 में है। इफ द डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल देन शो इट इज अ रेक्टेंगल। पैरेललोग्राम की डायगोनल्स अगर इक्वल है तो हमें ये शो करना है कि वो एक रेक्टेंगल है। तो देखिए, हमें इस क्वेश्चन को करने से पहले पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज और रेक्टेंगल की प्रॉपर्टीज क्लियर होनी चाहिए हमें कि क्या क्या होती हैं। तो जैसे कि मैं बताऊंगा आपको कि पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं कि इसमें अपोजिट साइड्स पैरेलल भी होते हैं और इक्वल भी होती हैं। जैसे कि ए बी सी डी का पैरेलल भी होगा और ए बी और सी डी इक्वल भी होंगे। उसी तरह से ए डी और बी सी इक्वल भी होंगे और एक दूसरे के पैरेलल भी होंगे। पैरेलोग्राम में और खासियत ये होती है कि अपोजिट एंगल्स इसमें इक्वल होते हैं। जैसे एंगल ए और एंगल सी इक्वल होगा, एंगल बी और एंगल डी इक्वल होगा। और इसमें यहां गिवन है कि इस पैरेललोग्राम में इसकी डायगोनल्स भी इक्वल है। अब रेक्टेंगल में क्या प्रॉपर्टी होती है? रेक्टेंगल में अपोजिट साइड्स इक्वल होती है और हर एक एंगल 90 डिग्री का होता है। इसमें अपोजिट साइड्स इक्वल होंगी, ए बी और सी डी इक्वल भी होंगी रेक्टेंगल में और पैरेलल भी होंगी और हर एक एंगल 90 डिग्री होगा। तो जैसे कि ये पैरेललोग्राम है तो उस हिसाब से अपोजिट जो एंगल्स अपोजिट साइड्स जो है इसकी तो ऑलरेडी इक्वल हो गई, ठीक है, क्योंकि पैरेललोग्राम में होती है वो। तो रेक्टेंगल के अगर हम देखें अकॉर्डिंग तो अपोजिट साइड्स तो इसकी इक्वल हो गई। सिर्फ हमें रेक्टेंगल की एक और चीज हमें प्रूव करनी है, जिसका मतलब ये है कि एंगल ए बी सी डी ईच 90 डिग्री होना चाहिए। तो पहले हम वो लिख लेते हैं जो क्वेश्चन में गिवन है। हमें क्वेश्चन में ये गिवन है कि यहां पर ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम, एबीसीडी एक पैरेललोग्राम है हमें यहां गिवन है जो जिसमें कि एसी बराबर है हमारी बीडी के, एसी बीडी बराबर है। और हमें इसमें प्रूफ क्या करना है? हमें प्रूफ करना है इसमें कि एबीसीडी इज अ रेक्टेंगल, ये एक रेक्टेंगल है, ये हमें प्रूफ करना है, ठीक है। तो अब हम इसको स्टार्ट करते हैं इसका प्रूफ। अब देखिए, मुझे सबसे पहले क्या करना है कि मेरा टारगेट ये है कि मैं बी और सी को 90 डिग्री प्रूव करूं। तो उसके लिए मैं इसमें दो ट्राइंगल लूंगा, जैसे कि इस तरह से मैं आपको शो करता हूं। इस तरह से मैं ले रहा हूं दो ट्राइंगल, ये जिसमें है ए बी सी डी। तो यहां पे मैं लिखूंगा इन ट्राइंगल्स ए बी सी एंड ए बी सी ट्राइंगल में ए बी सी और सी डी बी डी सी बी डी सी बी ए बी सी और डी सी बी इन दोनों ट्राइंगल में मैं ये कह सकता हूं कि ए बी बराबर है डी सी के और बी सी बी सी बराबर है, और मैं ये कह सकता हूं इसमें कि ए सी बराबर है बी डी के। अब हम इसका रीजन पे लिखेंगे, ए बी और सी डी क्यों बराबर है, यहाँ पे सी डी या डी सी क्यों बराबर है? क्योंकि ये अपोजिट साइड्स हैं, ऑफ पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स हैं ये ए बी और सी डी, क्योंकि ऊपर हमें बताया था ए बी सी डी पैरेललोग्राम है तो इसलिए अपोजिट साइड है। और ये कॉमन साइड है दोनों में, क्योंकि दोनों में ही ये आएगी, कॉमन साइड होगी। ए सी बी डी क्यों बराबर है? डायगोनल्स आर इक्वल इक्वल गिवन में हमें दिया हुआ है, गिवन में हमें ये दिया हुआ है कि डायगोनल्स इसके इक्वल है। तो हम इसके बिहा पर, इन तीनों फैक्ट के बिहा पर हम ये कह सकते हैं कि ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रेंट है ट्राइंगल सी डी सी बी के। जब ये दोनों ट्राइंगल एक दूसरे के कॉन्ग्रेंट हैं तो इट मीन्स देयरफॉर हम ये भी कह सकते हैं कि एंगल सी और एंगल बी भी बराबर होंगे। क्यों बराबर होंगे? बाय सीपीसीटी, मतलब कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल। जब दो ट्राइंगल एक दूसरे के कॉन्ग्रेंट प्रूव हो जाते हैं, जब
तो हम उसके हर पार्ट को भी इक्वल बता सकते हैं, और जो बाकी बचते हैं जैसे कि ये दोनों ट्राइंगल यहां पर मैंने इस तरह से, मैंने अब ये कहा ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर होगा क्योंकि ये उसका कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है, इसीलिए तो एंगल बी और एंगल सी यहां पर बराबर है। अब देखिए कि जैसे कि पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स जो है यहां पर पैरेलल होती हैं, तो हम यहां लिख सकते हैं कि यहां पर ए बी पैरेलल है सी डी के, और सी बी इज अ ट्रांसवर्सल लाइन, सी बी ट्रांसवर्सल लाइन है। तो जब दो लाइनें एक दूसरे के पैरेलल हो और एक लाइन उन्हें इस तरह से काटे, तो ये वाला एंगल जो है हमेशा मिलाकर 180 डिग्री के होते हैं। इन्हें इंटीरियर एंगल, इन्हें को इंटीरियर एंगल्स भी बोलते हैं, और इंटीरियर एंगल ऑफ सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल लाइन भी बोलते हैं। तो हम यहां लिख सकते हैं कि यहां पर एंगल सी और एंगल बी, सी और एंगल बी दोनों मिलाकर जो है, दोनों मिलाकर होंगे ये 180 डिग्री के। क्यों? हम इन्हें बोलेंगे को इंटीरियर एंगल है। तो क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के बराबर हैं, अभी सीपीसीटी से प्रूव हुआ है, तो एंगल सी प्लस एंगल सी भी लिख सकता हूं मैं, बी को सी भी लिख सकता हूं क्योंकि सी और बी एक दूसरे के बराबर है, मिलाकर होंगे 180। तो यानी कि टू एंगल सी इज इक्वल टू 180, तो एंगल सी इज इक्वल टू 180 अपॉन में टू काट के 90 डिग्री। तो हमें ये प्रूव हो गया इस बात से कि एंगल सी इक्वल टू एंगल बी जो है वो 90 डिग्री है, क्योंकि सी और बी दोनों बराबर थे यहां पर। अब देखिए, अब जितना एंगल सी होगा उतना ही एंगल ए होगा, और जितना ही एंगल बी होगा उतना ही एंगल डी होगा। क्यों होगा? अपोजिट एंगल्स, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल इन पैरेललोग्राम। तो देखो अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, इससे सी से ए भी 90 हो गया और बी से डी भी 90 हो गया, और क्योंकि पैरेललोग्राम था, पैरेललोग्राम अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। अब रेक्टेंगल की जो प्रॉपर्टीज है इसमें अब आ चुकी हैं, क्योंकि हम सारे एंगल्स 90 डिग्री के बराबर हमने प्रूव कर दिए, और पैरेललोग्राम होने की वजह से अपोजिट साइड्स तो इसकी वैसे ही इक्वल है। तो हम ये कह सकते हैं कि अब ए बी सी डी इज अ रेक्टेंगल, ये अब एक रेक्टेंगल है। तो देखा स्टूडेंट्स आपने, अगर आपको प्रॉपर्टीज क्लियर हैं तो आप क्वेश्चंस कर पाएंगे, अदरवाइज आपको क्वेश्चंस बहुत परेशान करेगा। तो मैं आपसे यही कहूंगा कि आप पहले टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल वीडियो देखिए, उसकी सारी प्रॉपर्टीज को आप मेमोराइज कीजिए, उसके बाद आप क्वेश्चन स्टार्ट कीजिए, फिर आपको बहुत आसानी से समझ में आएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।